इस पे क्लिक करने के बाद जो मेन चीज है दोस्तों, यहीं से आपको पता चलेगा कि आपका वीडियो पे ज्यादा व्यूज कैसे जाएगा। और ये जो अपडेट है ना YT स्टूडियो की तरफ से दोस्तों, ये आपको बहुत ही ज्यादा खुश कर देगा, इसीलिए ये अपडेट अभी तक सबको नहीं मिला। तो दोस्तों YT स्टूडियो पे एक ऐसा अपडेट आ गया है जो अपडेट आपको बहुत ही ज्यादा खुश कर देने वाला है। उस अपडेट से बेसिकली दोस्तों आपका सिर्फ और सिर्फ वीडियो का व्यूज बढ़ने वाला है, ठीक है। अभी सोचिए, अगर आप उस अपडेट को समझ लेते तो ये आपके लिए कितनी अच्छी बात हो जाती है। दोस्तों बता दें आप सभी को कि अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं या फिर आप ऑलरेडी एक यूट्यूबर हैं, आपके वीडियोस पे व्यूज नहीं आता है, तो देखिए आपको हर एक चीज को बेसिक से समझना पड़ेगा, ठीक है। और फिलहाल YT स्टूडियो आप क्या यूज करते हैं, YT स्टूडियो पे बस आप इतना ही देखते हैं कि व्यूज कितना आया, वॉच टाइम कितना कंप्लीट हुआ, चैनल मोनेटाइज हुआ कि नहीं, या फिर अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो एक वीडियो से कितना डॉलर बना, बस इतना ही आप चेक करते हैं। लेकिन क्या कभी आप ये चेक करते हैं कि हमारा वीडियो जो है वो वायरल कैसे जाएगा, आखिर जो मेरा एक वीडियो है वो वायरल गया तो उसमें मैंने क्या काम किया था। तो YT स्टूडियो आपको ये भी बताता है कि आपके वीडियो का इंप्रेशन वो कितने लोगों को भेज रहा है, ऑडियंस जो है वो आपके कौन से वीडियो को ज्यादा देखना पसंद करे। तो YT स्टूडियो पे आपको भरपूर फीचर मिलता है, और इसी भरपूर फीचर के बीच दोस्तों एक और फीचर यहाँ पे YT स्टूडियो ने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अगर आप उस चीज को समझ जाते तो मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों आपका वीडियो बहुत जल्दी वायरल होने वाला है। तो दोस्तों चलिए सब कुछ आज आप सभी को अपने वीडियो पे बताने वाले। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं अपने चैनल के थ्रू आप सभी को सिर्फ रियल एंड जेन्युइन चीज बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए हमेशा की तरह सहारा लेते हैं अपने स्मार्टफोन का, क्योंकि आपको पता है कि दोस्तों अभी तक मैं YouTube वीडियो बनाने के लिए कोई भी PC या लैपटॉप वगैरह यूज नहीं करता। तो फिलहाल साइड में आप देख सकते हैं कि मैंने अपना स्मार्टफोन ओपन कर लिया है, और सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये कौन सा अपडेट है YT स्टूडियो पे जो आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे काम आने वाला है व्यूज बढ़ाने में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप सभी के सामने यहाँ पे वो YT स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे YT स्टूडियो ओपन करने के बाद दोस्तों आप साइड में देख सकते हैं कि हमारा एक चैनल है जो कि टेक अमानत करके, जिसमें मैं अर्निंग से रिलेटेड वीडियो वगैरह अपलोड करता हूँ, ठीक है। ये हमारा अलग चैनल है और एक अर्निंग का चैनल अलग है, तो उसमें 23,000 के आसपास सब्सक्राइबर है। अभी दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो अपडेट है वो बेसिकली सभी को नहीं मिला है, हमारा जो मेन चैनल है ये जो जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं इस पे ये जो अपडेट है वो नहीं मिला है, लेकिन इस पे मिल गया, ठीक है। काफी लोगों के चैनल पे मिला है, काफी लोगों के चैनल पे नहीं मिला है, तो यहां से आप कैसे चेक करेंगे कि आपको मिला है कि नहीं मिला है, और अगर आपको मिला है तो भाई आप उसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एनालिटिक पे जाते हैं दोस्तों, सबसे पहले YT स्टूडियो आपको ओपन करना है, उसके बाद एनालिटिक पे जाना है। जैसे आप एनालिटिक पे जाएंगे तो वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहीं पे सारा काम होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑडियंस पे जाना है, जैसे आप ऑडियंस पे जाएंगे यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद सबसे पहले तो सबसे नीचे आ जाना है दोस्तों, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फीचर है ना वो आपको यूट्यूब पे पहले कभी नहीं दिखा होगा, फिलहाल ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, फॉर्मेट दैट्स योर व्यूअर वॉच ऑन यूट्यूब, यानी कि आपके व्यूअर आपके यूट्यूब पे क्या देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए वीडियोज में हमारा पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ का मतलब क्या है कि हमारा जो लॉन्ग वीडियो वो यूट्यूब पे लोग देखते हैं, उसके बाद शॉर्ट देखते हैं, लाइव नहीं देखते, लाइव में करता भी नहीं इसलिए नहीं देखते। अब इस पे क्लिक करते हैं, ठीक। इस पे क्लिक करने के बाद जो मेन चीज है दोस्तों, यहीं से आपको पता चलेगा कि आपका वीडियो पे ज्यादा व्यूज कैसे जाएगा। और ये जो अपडेट है ना YT स्टूडियो की तरफ से दोस्तों, ये आपको बहुत ही ज्यादा खुश कर देगा, इसीलिए ये अपडेट अभी तक सबको नहीं मिला, तो बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले यहां पे आप देख लीजिए व्हाट्स योर ऑडियंस वॉचेस, ये जो चीज है ना ये सबको नहीं मिला है, तो जिसको मिला है यहां पे उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। अभी इस पे मैं क्लिक कर लेता हूं, ठीक। जैसे मैंने इस पे क्लिक कर लिया तो इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे हमारा देख सकते हैं कि एक वीडियो खुल के आ रहा है जो कि हमारे चैनल का नहीं है, ठीक है। मतलब हमारा ऑडियंस क्या देख रहा है, तो इनका जो ऑडियंस है वो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारा ऑडियंस जो इनके वीडियो को देख रहे हैं, ठीक। तो मैं क्या दिमाग लगाता हूं वो आप देख लीजिए, और वो आपको कैसे दिमाग लगाना है सब कुछ समझ लीजिए, ठीक है। तो अभी यहां पे आपको बहुत सारे चैनल्स दिख जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अगर आपके में एक भी दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी देखिए हमारे में एक दिख रहा है, ठीक। अभी मैं बेसिकली इस पर क्लिक कर लेता हूं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, यही आपको समझने की बात है। अभी वीडियो को रोक देता हूं, ठीक। अभी यहां पे ऐड जो आ रहा है ऐड को कट करता हूं, यहां पे मैं शेयर के ऑप्शन पे जाता हूं, और यहां पर से मैंने इसका कॉपी लिंक कर लिया, यानी कि इस वीडियो का लिंक मैंने कॉपी कर लिया। आप सोच रहे हो कि आखिर मैंने इसके वीडियो का लिंक कॉपी क्यों किया, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब वीडियो पे आपको व्यूज बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो ये देखना होगा कि आपके वीडियो का जो है वो ऑडियंस, आपके चैनल का ऑडियंस क्या देखना पसंद कर रही है, ठीक है। तो जो चीज वो देखना पसंद कर रही है, अगर आप सेम उसी चीज से रिलेटेड वीडियो देते हो तो वो आपके वीडियो को देखेगी। तो यहां से तो क्या पता चल गया कि हमारा जो चैनल है उस पर लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं, या फिर हमारा चैनल जो लोग देख रहे हैं वो कौन से चैनल को देख रहे हैं, तो यहां तक तो मुझे पता चल गया। अभी मुझे ये पता लगाना है कि दोस्तों यहां पे इसका जो है वो बहुत ज्यादा व्यूज आ रहा है, ठीक है, हमारा इसके रिगार्डिंग कम आ रहा है। तो दोस्तों यहीं पे आपको दिमाग लगाना है, सबसे पहले तो इसका लिंक मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद यहां पे होम स्क्रीन पे जाएंगे,
टैग यू करके एक एप्लीकेशन मैंने आपको दिया था दोस्तों, उस एप्लीकेशन को सिंपल से ओपन कर लेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है और टैग यू एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके नहीं रखा है तो जरूर से उसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। आपको पता है वीडियो वायरल करने के लिए क्या चाहिए? वीडियो वायरल करने के लिए आपको एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन, अच्छा सा टैग, अच्छा सा थंबनेल, अच्छा सा टाइटल, सब कुछ चाहिए, ठीक है? तो सब कुछ तो आप ले लेते हैं, लेकिन अगर वायरल नहीं जाता है तो ये चीज को ध्यान से देखिए। ये जो अपडेट है इसके हिसाब से आपका वीडियो जरूर वायरल जाएगा। अभी आपको क्या करना है, गेट टैग्स फ्रॉम यूआरएल, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि आप किसी के भी डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो मैंने उसके डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लिया। अभी टैग के बारे में बात करें, मैं थंबनेल को भी कॉपी कर लूंगा, मैं टाइटल को भी कॉपी कर लूंगा, लेकिन टैग कहां से कॉपी करेंगे? आपको पता कैसे चलेगा कि उस भाई ने कौन सा टैग लगाया? अगर ये चीज पता चल गया तो उसके पास तो कुछ छिपा हुआ रहेगा नहीं ना, मतलब उसके वीडियो पे व्यूज आएगा तो आपके वीडियो पे भी व्यूज आएगा, ठीक है? और ऐसे ऐरा गैरा किसी का भी वीडियो को उठा करके कॉपी नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसकी ऑडियंस अलग है, हमारी ऑडियंस अलग है। तो पता कैसे चला कि कौन सा ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसका ऑडियंस और मेरा ऑडियंस सेम है? तो दोस्तों यही आपको बताया कौन, YT स्टूडियो का नया अपडेट। अभी देखिए आपको क्या करना है, यहां से मैं इसको क्या करूंगा, पेस्ट करके यहाँ पे चेक पे क्लिक करूँगा, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे चेक पे क्लिक किया, आपके सामने जो होगा, ठीक है, देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऐड आया। अब इस ऐड को क्या करना है, थोड़ा सा मतलब देख लेते हैं क्या दिक्कत है। फ्री में अगर दे रहा है तो देखना तो बनता है, 15 सेकंड के आसपास तो ऐड होगा, ठीक है? तो दोस्तों बता दें कि इस तरीके से अगर आप काम करेंगे ना तो आपके चैनल को वायरल होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि दिमाग लगाना है, ठीक है? दिमाग लगा के काम करेंगे तभी यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा। अभी मैं भी दिमाग लगाता तो मुझे भी रिजल्ट मिला, काफ़ी वीडियो को मैंने वायरल भी किया। अभी देखते थे कि ऐड यहाँ पे एंड हो गया है, अभी कट का ऑप्शन कहीं तो आ जा भाई, कहीं तो आ जा, कट का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, देख सकते हैं कि अभी मैं ये करूँगा और यहाँ पर से कट का ऑप्शन आएगा, मैं इसको कट करता हूँ, बैक करता हूँ, ये देख सकते हैं कि कट मैंने कर दिया, ठीक है? और अभी देख सकते हैं दोस्तों, बस यहीं पे देखिए, बेस्ट अर्निंग ऐप फॉर एंड्रॉयड, ठीक है, फ्री पेटीएम कैश, पेटीएम क्रेजी लूट। इसने क्या किया है, आपने चैनल का जो नाम भी डाला है, हाउ टू अर्न पेटीएम कैश डेली, अर्न पेटीएम कैश। तो इसका जो सारा आपको है ना, ऐसे करके ऐसे क्या करना है, ऐसे कॉपी कर लेना, ठीक, देख लीजिए सारा मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से। और कॉपी करने के बाद क्या करना है, आप जो वीडियो बना रहे हो सेम वीडियो पे सारा जो आपका टैग है उस पर डाल देना है। देख सकते हैं कि थंबनेल जो है आप अपने तरह का बनाए, यहाँ पे इनका जो टाइटल है वो आप टाइटल भी कॉपी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी कॉपी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आपकी ऑडियंस क्या देखना चाहती है। अगर सेम उस तरह का आप काम करते हैं तो उसकी ऑडियंस भी आपको देखेगी और इस तरह से दोस्तों आपके वीडियो पर बहुत ज़्यादा व्यूज जाएगा, ठीक है? तो दोस्तों ये जो तरीका है, ये जो अपडेट YT स्टूडियो की तरफ से, अगर आप इस चीज को समझ लेते हैं और करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जो मैंने आप सभी को अपने चैनल के थ्रू बताया है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो कर दीजिए हमेशा की तरह वीडियो को एक लाइक एंड साथ ही साथ करते जाइए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपको पता है कि मैं आप सभी के लिए डेली कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आता रहता हूं, ठीक है? तो चलिए फिलहाल वीडियो में ही तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।